सलाम अरबा आदाब नमस्ते संगी ब्यूटीफुल पीपल, आई एम अली हसन एंड यू आर वॉचिंग थीटाज ऑफ यूटी व्लॉग्स। तो कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, मुझे पता होता है। ऑब्वियसली आई बीन अपलोडिंग वीडियोज़ फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स। उसमें से एक वीडियो है कि 476 वीज़ा मेरा कब आएगा। आई नो मैनी ऑफ यू हु हैव अप्लाइड फॉर दिस वीज़ा इन पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर इट्स ग्रांट, ठीक है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं, एक ऐसे इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने पिछले साल ये वीज़ा अप्लाई किया था और सेल्फ एप्लीकेंट हैं, और आज इस साल आई गेस तो अगस्त में, कंप्लीट डिटेल ऑब्वियसली हम इन्हीं से ही पता करेंगे, अगस्त में इनका वीज़ा ग्रांट है, ठीक है। तो बग़ैर किसी डिले के साथ आई एम गिविंग दिस माइक टू मिस्टर अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा निसार। ओके, सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, इस तरह के आपने बैचलर्स कहाँ से किया, कौन सी डिसिप्लिन में किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, क्या एक्रेडिटेशन थी, लेवल 1 थी, लेवल 2 थी, वाशिंगटन अकॉर्ड से ऑब्वियसली एक्रेडिट होगा आपकी डिसिप्लिन, आपका प्रोग्राम तभी आपको मिला। तो स्टार्टिंग विद, आपने बैचलर्स कहाँ से किया? आई डिड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रिसेंटली फ्रॉम रिफा यूनिवर्सिटी, आई ग्रेजुएटेड इन 2020। तो क्योंकि मेरी जो बैचलर्स डिग्री है वो अकाउंटिंग अकॉर्ड से एफिलिएटेड है मेरी यूनिवर्सिटी, तो डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल रीसेंट फ्रेश ग्रेजुएट जो 2 ईयर्स का होता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि ही कैन अप्लाई टू 476 वीज़ा। तो सर्च कर रहा था रेंडमली, आई अक्रॉस केम अक्रॉस द अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई वेंट एंड एक्सप्लोरिंग इट एंड आई फाइंड आउट दैट आई कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा बाई माई सेल्फ। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट ऑन इंटरनेट एंड डिफरेंट प्लेसेस, सो आई जस्ट वेंट देयर एंड कम्प्लीटेड माई डॉक्यूमेंट्स, एंड आई थिंक इट वॉज 24th मंथ वेन आई अप्लाइड फॉर इट, लाइक एंड लाइक इट्स नॉट बीन मोर देन 12 मंथ्स, आई जस्ट गॉट इट इन बैक इन अगस्त। सो इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग फॉर मी, जबकि जो मेरे सीनियर्स थे जो कि कोविड से, मतलब कोविड से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, इट टुक मोर देन 3 to 4 ईयर्स फॉर देम, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द वीज़ा टू कम। तो मतलब इट्स सो लकी एंड आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट इट इन लेस देन 12 मंथ्स, रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। हाँ ओके, वाकई आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है ये कि आपका इतना जल्दी वीज़ा आ गया स्पेशली। अच्छा, दूसरी बात आपने ये बतानी है कि मेडिकल आपने किस मंथ करवाया था 2022 में? वो आई थिंक 15 डेज के अंदर उन्होंने, जब मैंने फ़ी उनकी पे कर दी थी जो वीज़ा की 476 की वीज़ा फ़ी होती है, आई थिंक एट दैट टाइम इन 2022 अगस्त इट वाज 70 to 75,000 विच आई पे टू द बैंक एंड सेंड द रिसीप्ट टू द ये जो इम्मी अकाउंट होता है, इनको मैंने रिसीप्ट भेजी, उन्होंने आगे फर्दर मुझे अपॉइंटमेंट ऑफ द मेडिकल दे दी, और आई थिंक लाइक इन नेक्स्ट 10 डेज मेरा उसमें मेडिकल टेस्ट हो गया। आपने करवाया कहाँ से था मेडिकल? इस्लामाबाद में ही? इसके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मुझे, मतलब जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी वो मुझे F10 से मिली थी। F10 में जो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया था टेस्ट देने के लिए, मेडिकल टेस्ट, जबकि F6 में भी है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। तो ओके, तो अब हम ना चलते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। इस तरह क्वेश्चन आप देखते भी रहते होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने, किस को अपलोड करने से वीज़ा पे कोई इम्पेक्ट होगा या नहीं होगा, उसको हम देखते हैं बारी बारी। तो अभी हमने इन्हीं का ही इमिग्रेशन अकाउंट ओपन किया हुआ है और हम अटैच्ड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर हैं। इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में अपने पासपोर्ट की स्टैम्प्ड पेजेस JPGs में अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपने ट्रैवल किया हुआ है कहाँ पे? मैंने रिसेंटली उमरा किया था बैक इन 2019 राइट बिफोर कोविड, तो ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स होंगे, वो उन्होंने अपलोड कर दिए। एज ठीक है, उसके बाद बर्थ और एज के एविडेंस में इन्होंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है विच इज़ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, दिस फाइन। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में CV अपलोड हुई हुई है, रिज्यूमे अपलोड हुई हुई है, या CV कुछ भी आप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑफिस ऑर्डर है, कोई
मे बी आई थिंक सो आप यहाँ पर सैलरी स्लिप या जॉब एक्सपीरियंस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया हुआ है। आइडेंटिटी में नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इसी तरह एड्रेस, एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी तरह ही अदर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा, आपको S56 में किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आई? फॉर्म 80 का आया था, और फिर एट द एंड क्योंकि मैंने पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था तो उसकी भी फर्दर मुझे आगे। ठीक है, तो जो लास्ट आपको S56 आई है इसका मतलब वो जुलाई के अंदर आई है, और उसमें उन्होंने फॉर्म 80, पोलियो वैक्सीनेशन और करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा था। ठीक है, और बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था और आई फॉरगॉट माय पासवर्ड ऑफ दिस अकाउंट, तो मैंने इसको रिकवर भी कराया, और मैंने मुझे डॉक्यूमेंट्स आई थी कि आप अपना पोलियो सर्टिफिकेट अपलोड करें और साथ में फॉर्म 80 फिल करें, तो वो मैंने नहीं किया था। तो इट टुक मोर देन 30 to 40 days अपलोड करने के बाद, जैसे ही मैंने अपलोड किया ये, तो राइट आफ्टर 10 days मुझे ऑस्ट्रेलिया का 476 वीज़ा आ गया, जो कि टोटल 11 months की ड्यूरेशन थी। अगर मैं शायद 40 days पहले कर देता तो आई होप जल्दी मुझे आ जाता। अच्छा, इसमें एक और भी बात आप लोगों की क्लियर हो जाती है कि उन्होंने 28 days दिए होते हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और हमारे ये मिसकंसेप्शन कह लें या मे बी एहतियात करनी चाहिए फिर भी कि 28 days के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, लेकिन मे बी ही वॉज लकी कि 40 दिन गुजर चुके थे। केस ऑफिसर चाहता तो वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकता था इनका, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। 40 दिनों जैसे इन्होंने अकाउंट अपना रीओपन किया उसके बाद आफ्टर 40 days इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। ठीक है, और क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने सिर्फ अपनी लेटेस्ट डिग्री अपलोड की हुई है, कोई FSC या मैट्रिक नहीं, ट्रांसक्रिप्ट, लेटेस्ट डिग्री की और डिग्री। ठीक है, और IELTS में इनका स्कोर था 6 आई गेस, वैसे ही है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि IELTS का स्कोर भी मैटर नहीं करता। ठीक है, आप लोगों का ये भी सवाल हो गया कि IELTS कैसे है, वो तो ऑब्वियसली अगर इफ यू आर अबव देन थ्रेश होल्ड तो इट इज़ फाइन, जितना भी अबव। ठीक है, आपने जनरल दिया था या एकेडमिक? इट वॉज एकेडमिक। ओके, नाइस। इससे अगली बात कि ज़रूरी नहीं है कि जनरली हो, एकेडमिक भी आप देख सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट में अगेन पासपोर्ट। तो इंतहाई सिंपल, और मैंने इनका फॉर्म 80 भी देखा है, ऑब्वियसली हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, बट वो भी सिंपल था बिल्कुल, कोई कम्प्लेक्स डिटेल्स नहीं लिखी हुई। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर इन्होंने सिर्फ अपनी एक ही एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने किया है उनका जिक्र किया हुआ है, फ्रॉम एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ अपनी होती है उससे लेकर करंट डेट तक जितनी भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डिटेल होती हैं अपने वो डालनी होती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं डाली थी, इसका मतलब वो भी मैटर नहीं करता, या मे बी ही वॉज लकी। एहतियातन आप कर दें अपलोड, बट अगर नहीं भी कर रहे तो इसका मतलब आपका उससे रिजेक्ट नहीं होता। मैं आपको दोबारा बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और दुआ के साथ कि आपका जो भी इरादा है, क्योंकि इनके और भी इरादे हैं उसके लिए प्रॉब्ली मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जो भी इरादा है आपको अल्लाह उसमें कामयाब करे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उसमें कामयाब करे, अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं उसमें कामयाब। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल चीज़, कोई एडवाइस, कुछ भी स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको व्यूअर्स के साथ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे इन योर व्लॉग। I would like to add one more thing, that you have education, you are graduated from university obviously, so why not you should apply on your own। मैंने अपने क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे क्लास फेलोज हैं, वो प्रेफर करते हैं कंसल्टेंट्स को, why go for consultant when you can apply it on your own। It's very basic, you just have to upload your necessary documents जिसमें education होती है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या IELTS वगैरह जो आपने दिया होता है, तो चंद डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करनी होती है, तो आप क्यों कंसल्टेंट को दें। अब देखें, लास्ट ईयर मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था कंसल्टेंट के थ्रू, उसने 90,000 rupees पे किए, स्टिल ही इज़ वेटिंग, और उसने उसी टाइम फ्रेम में अगस्त 2022 में ही अप्लाई किया था, एंड ही इज़ स्टिल वेटिंग एट द मोमेंट फॉर द वीज़ा। आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग कि यू शुड अप्लाई ऑन योर ओन। मेरे ऐसे क्लास फेलोज हैं जिन्होंने अप्लाई किया है लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू, एंड दे हैव पेड मोर देन 90,000। ये मैं लास्ट अगस्त 2022 की बात बता रहा हूँ, जो कि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट क्लास फेलोज थे, उन्होंने अप्लाई किया, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द 476 वीज़ा। तो
तो अगर आपने अप्लाई किया होता तो आपके पास पूरा अकाउंट होता, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होता कि स्टेटस, प्रोग्रेस, व्हाट्स गोइंग एट द मोमेंट ऑन माय एप्लीकेशन स्टेटस. सो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट ऑन योर ओन. कभी भी आप कंसल्टेंट के पास ना जाएं. अब देखें जो मेरे साथ वाले हैं वो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, और देख मतलब टुक मोर देन 90,000 और अभी तक कोई फ्यूचर, कोई लाइक कोई एक्सेप्टेंस रेशियो या मुझे नहीं लगता, लेकिन आई होप कि वो उनको मिल जाए क्योंकि उन्होंने पे किया हुआ है. जबकि अगर आजकल के जो मतलब USD यूरो के रेट हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो आई हैव हर्ड कि जो आजकल कंसल्टेंट फी ले रहे हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, रियली ह्यूज अमाउंट. तो आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो एंड अप्लाई ऑन योर ओन. थैंक यू सो मच अगेन कि आपने टाइम दिया हमारे ब्लॉग में, और दुआएं मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, और आप भी बहुत अच्छी एडवाइस व्यूअर्स को दे चुके हैं, और वो ये थी कि अप्लाई योर सेल्फ. अगर आप जॉब्स के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं तो ये उससे आसान प्रोसीजर है, ठीक है, अप्लाई करने का. और कहीं भी कोई मसला आता है तो मैं इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप उनकी वीडियो पर जाके कॉमेंट करेंगे ना तो ये आपको कॉमेंट में रिप्लाई कर देंगे किसी भी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंड प्रॉबेबली ही विल बी मोस्ट रिस्पॉन्सिव देयर. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. आई विल ऑब्वियसली एंटरटेन एवरीवन, जो भी मैसेज करे, कोई भी क्वेरी हो, सो जस्ट टाइप देयर एंड आई विल रीच टू यू. ओके, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के वास्ते.